हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है फिर से एक ऐसा जो है ऑनलाइन जॉब लाया हूं आप लोगों के लिए। घर बैठे आसानी से स्टूडेंट्स हो, अगर हाउसवाइफ्स हो, या फिर आप लोग बाहर काम कर रहे हो और शाम तक आप लोग फ्री हो जाते हो, तो आप लोगों के लिए ये काम है। और आप लोग आसानी से सिर्फ एक इमेज को आप बेचकर 10,000 से 50,000 तक जो है कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही जो है जो ऑनलाइन जॉब्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा जो है आप लोगों को काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर जो है चलाना आना चाहिए, तभी आप लोग जो ये काम कर सकते हो। पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें करना होगा आप लोगों को, लेकिन कुछ ऐसा भी मेहनत करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को एक भी इन्वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है आप लोगों को। एक दो घंटा तीन घंटा आप लोग टाइम जो है इन्वेस्ट करके वहां पे ये काम कर देते हो, तो आप बैठे बैठे जो है हर दिन का जो है 10,000 से 50,000 कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक इमेज अगर आप बिका देते हो, अगर आप बिक जाता है, तो आप लोगों का जो है 10,000 से 50,000 तक का जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा। और ये जो है एक बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस है, आप लोगों को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि करना किस तरीके से है। तो वीडियो बिना स्किप किए आप लोगों को पूरा देखना है। आप लोगों को जो है दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोसेस है, कहाँ से आप लोगों को इमेज मिलेगा, क्या करना है, कहाँ पे डालना है और किस तरीके से उसको बेचना है, तो सारा कुछ जो है बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, थोड़ा सा जो है आप लोगों को अपना दिमाग लगाना होगा। वो कैसे लगा सकते हो, कैसे आपको टाइम लगाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ बताया था। चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं आखिर वो किस तरीके से आप लोग एक इमेज को सेल करके 10,000 से 50,000 कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो है कैसे एक इमेज के थ्रू 50,000 से 60,000 कमा सकते हो, वो भी बैठे बैठे। सिर्फ आप लोगों को 3-4 घंटा जो है काम कर लेना है, बाकी जो है खुद से ही होगा, आप लोगों को और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके का इमेज जो है आप लोगों को सेल करना है। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, गूगल में मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे टी शर्ट पर जो इमेज आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ डिजाइन किया हुआ है, तो इसी का जो डिजाइन है यहाँ पे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके का जो है आप लोगों को जो भी डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उस तरीके का डिजाइन जो है आप लोगों को तैयार करना है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को एक पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और आप लोग जो है महीनों अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके का जो है टी शर्ट्स वगैरह जो भी है यहाँ पे बना हुआ है, आप लोगों को ये डिजाइन सिर्फ आपको देना है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पर अपलोड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप लोगों को वहां पे अपलोड करना है। आप लोगों को सेल करने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर जो वेबसाइट है सिर्फ आपको डिजाइन वहां पे डालना है और आपका सेल जो है ऑटोमेटिकली होगा और पैसा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको जो है डिजाइन वहां पे डालते जाना है, बाकी जो है आप लोगों को डिजाइन जो है कैसे तैयार करना है, किस तरीके से आप लोगों को लगाना है, सारा कुछ आप लोगों को फास्ट टू एंड तक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं आप लोगों को कंप्यूटर के बेसिस में करना होगा, नहीं तो आप लोगों को मोबाइल के थ्रू आप कर नहीं सकते, तो कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो है आप लोगों को ये डिज़ाइन जो है ये कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि ये डिज़ाइन कहाँ से लाऊंगा, इस तरीके का डिज़ाइन कैसे मिलेगा मुझे, डिज़ाइन करना नहीं आता। तो सबसे पहले आप लोगों को एक वेबसाइट जो है आप लोगों को लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक में आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको ये वाला जो है डायरेक्ट आपको इसी पेज में लेके आएगा, यही वाला जो है वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। इमेज प्रॉम्प्ट जनरेटर, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस जो है ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, बनाया हुआ है, लिखा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ, जनरेट प्रॉम्प्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक लिखा आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट के थ्रू जो इमेज है उस इमेज को जो है बनाना है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज जो है कैसे बना सकते हो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक और वेबसाइट है जिसमें जाना है, जहाँ पर आप लोग वो इमेज जो है वो तैयार कर सकते हो। प्रॉम्प्ट जो लिखा है उसके बेसिस में इमेज होगा और उस वेबसाइट का नाम है leonardo.ai। तो ये जो है एक फ्री वेबसाइट है, पेड भी है लेकिन आपको फ्री में यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोगों को फ्री में भी करना है, यहाँ पे आप लोग जो भी है यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको इस तरीके का जो है एक ये देखने को मिलेगा, यूज़र नेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम आप देखने के बाद इसको आप यहाँ पे यूज़र नेम देने के बाद आपको जिस तरीके से है यूज़र नेम अवेलेबल इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर अवेलेबल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करते ही क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का चीज़ें आएगा, इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब आपको इमेज जो है जनरेट करना है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस तरीके का जो है अलग अलग डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इमेज जनरेट करने के लिए आप लोगों की इमेज को जो है जनरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर में टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट में आप लोगों को वो जो प्रॉम्प्ट आपने इस यहाँ से सिलेक्ट किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ,
क्योंकि आपने जो है साइन अप कर दिया, यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, ठीक है, डिजाइन जो भी लिखा है यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है, जनरेट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 150 जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को और भी ज्यादा इमेजेस देखने को मिलेगा बहुत सारे, ठीक है। और बाकी जो है आप लोग यहाँ पे 30-40 जो है फ्री में आप इमेजेस बना सकते हो। बाकी जो है और ज्यादा करने चाहते हो तो आप लोगों को और जो है पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिजाइन जो है भर भर के आ गया है, 4 डिजाइन मेरे पास आ चुका है। और टी शर्ट में किस तरीके से डिजाइन लग रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मानो कि मैं यहाँ से, दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो डिजाइन है वो सामने आ चुका है, इतना सारा डिजाइन है। अब करना क्या है आप लोगों को, ये डिजाइन जो है देख पा रहे हो इस तरीके का टी शर्ट के ऊपर छपने वाला है, ठीक है। तो ये डिजाइन आपको तैयार करना होगा और डिजाइन को आपको अपलोड करना होगा एक वेबसाइट पर। सब कुछ जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है दिख रहा है, लेकिन इस डिजाइन का जो है बैकग्राउंड आपको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा है एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। इस रिमूव बैकग्राउंड पे आप लोग क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने से क्या होगा, आपका इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद आपको एक वेबसाइट में जाना है जो कि लिखना है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है रिमूव करने के लिए यहाँ पे अपलोड इमेज करना होगा। अब जो इमेज है उसको आप यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद क्या होगा कि जो भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अब फिर क्या करना होगा, अब आपको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी इमेज था उसका बैकग्राउंड हट चुका है। अब जो है नेक्स्ट करना क्या है, इमेज जो है छोटा इमेज है, इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब उसके लिए करना क्या है, उसी वेबसाइट में जिससे आप लोग वो प्रॉम्प्ट लिखे थे उसी में जो है ये वाला जो है यहाँ पे इमेज रिसाइजर का ऑप्शन है, उसमें जाके आपको इसमें इमेज को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये इमेज को आपको यहाँ पे लिखना है 10, ठीक है। अपस्केलर इमेज में आप क्लिक कर दोगे तो आपका इमेज का साइज जो है बड़ा हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से फाइनल इमेज आ चुका है, ये इमेज जो है बड़ा हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट करना क्या है वो देखिए, आपका इमेज रेडी हो चुका है। अब जो है फाइनल काम, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे रहा है, यहाँ पे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देखने को मिल रहा है। अब जो वेबसाइट में आप डालने वाले हो उस वेबसाइट में आप लोगों को जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बेसिस में कि जो कि आप लोग वहाँ पे डाल रहे हो जो इमेज, उसके बेसिस में आप लोगों को क्या टाइटल और थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है क्या डालना है, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को वो इमेज सेल करना है, उस वेबसाइट का नाम है टी पब्लिक। जो टी पब्लिक का वेबसाइट है इसमें जाके आप लोगों को इस इमेज को जो है डालना है। तो यही वेबसाइट का जो भी ओनर है, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, आप लोगों को कुछ करना नहीं, सिर्फ आप लोगों को डाउनलोड करना है और यहाँ पे प्रेस्ट करना है, यहाँ पे जो है अपलोड करना है आपको सारा कुछ काम, ठीक है, जो भी डिज़ाइन है। अब करेगा क्या, जब भी कोई भी कस्टमर आएगा और आपके यहाँ पे डिज़ाइन को चूज़ करेगा, तो अगर कोई भी खरीद लेता है तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कुछ करना नहीं है, जो भी करेगा ये वेबसाइट करेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन जो है अपलोड करना है, अपलोडेड डिज़ाइन। तो अपलोडेड डिज़ाइन में मैं क्लिक करता हूँ। अपलोडेड डिज़ाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्टोर का नेम देखने को मिल रहा है। स्टोर का नेम आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके का जो है, मैं एक टी शर्ट का जो है नाम दे दिया स्टोर का नाम, तो टेक मी टू द स्टोर। अब यहाँ पे डिज़ाइन को जो है अपलोड करना है। मेरे पास जो एक डिज़ाइन है फाइनल इमेज, मैं इसको अपलोड करता हूँ। अब अपलोड करते ही जो है थोड़ा सा वेट करना होगा, अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चेकिंग आर्टवर्क जो है वो चेक कर रहा है कि क्या यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो है आर्टवर्क जो है ये आ चुका है। तो यहाँ पे नीचे जो है देखिए टाइटल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अब आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आप लोग वो प्रॉम्प्ट लिखे थे उसके नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको चैट जीपीटी में आना है। चैट जीपीटी आने के बाद इसको पेस्ट करके आप एंटर कर दीजिए, तो इसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल होगा, वो खुद से लिख के यहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। सब कुछ जो है यहाँ पे करा को, सब कुछ जो है रेडी है। बस आपको यहाँ पे ये कॉपी करना है टाइटल को और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो भी वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक है वो बाहर के हैं, बाहर का ही वेबसाइट है, हमारे इंडिया का नहीं है। तो बाहर के लोग जो भी यहाँ पे टी शर्ट वगैरह खरीदेगा या फिर जो भी यहाँ पे चीज़ खरीदेगा, उसके बेसिस में आप लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा बड़ा लोग जो है यहाँ पे खरीदारी करते हैं। अब यहाँ पे टैग जो है क्या लिखना है आप लोगों को, टैग आप लिख सकते हो यहाँ पे स्पेस, मतलब आपका जो भी डिज़ाइन है वो स्पेस क्या है, सो स्पेस मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो भी है टैग्स क्या है, गैलेक्सी टैग हो गया, स्टार हो गया, एक मतलब आप लोगों को एक यहाँ पे दे देगा, UFO दे सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आपको नीचे क्या ऑप्शन दिखने को मिल रहे, डज दिस कॉन्टेंट मैच्योर कॉन्टेंट सच एज न्यूडिटी और एडल्ट थीम,
तो अगर कोई भी ऐसा यहाँ पे आपके इमेजेस में कोई एडल्ट का कोई थीम है, कोई इमेज है, तो आप इसको यस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, रॉकेट है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। तो यहाँ पर आप एडल्ट का कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के देशों में है, ये सब कुछ चलता है वहाँ पे। अब नीचे देखिए डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का जो है लुक देखने को मिलेगा, और कितना जो है आप लोग यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन जो भी बॉक्स है उसके अंदर जो है रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस में जो भी है टी शर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, टी शर्ट में इस तरीके का प्रिंट छपेगा, और बाकी का जो है यहाँ पे डिफॉल्ट का जो भी है, आप लोग जैसे भी इसको जो भी स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग टी शर्ट पे अलग अलग कलर में आप लोगों को जो है वो सब छपा के देगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे टी शर्ट पर नहीं, यहाँ पे हुडी में है, जिस तरीके से आप लोगों को देखने मिल रहा है हुडी का भी यहाँ पे है, टैंक है, टैंक में भी यहाँ पे होगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे है, बेसबॉल टी है, किड्स का भी है यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का जो है और भी बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस ऑटोमेटिकली जो है उनके पास से आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है इस तरीके का रहना है, और ये डिज़ाइंस का जो भी कलर्स है आपको यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि ये सब सिलेक्ट हो जाए। और नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कौन से चीज़ में जो है आप लोगों का जो आपने डाला है काम वो कहाँ कहाँ पे जो है छपने वाला है। पहला जो है टी शर्ट में होगा, स्टिकर्स होगा, फ़ोन के कवर होगा, मग्स होगा, वॉल आर्ट हो सकता है, पिलो हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। अब करना क्या है, आई हैव टू रीड द करने के बाद यहाँ पे जो भी टिक है करने के बाद पब्लिश कर देना है, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ओके करना है, ओके। एक मिनट, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे मैंने कलर्स जो है मैंने चूज नहीं किया जिसकी वजह से आ रहा है, प्रिंट ऑन द फ्रंट करना है। तो प्रिंट ऑन द फ्रंट करने के बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट कलर, आप डिफॉल्ट कलर क्या डालने वाले हो, तो डिफॉल्ट कलर आप वाइट ही रख दें ताकि यहाँ पे सब में जो है डिफॉल्ट आ जाए, और इसमें जो भी है यहाँ पे डिफॉल्ट कलर आप ब्लू रख दो, ठीक है। इस तरीके का जो है आप लोगों को करना होगा, ये जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे दिखाना होगा इस तरीके का। अगर हो गया, अब यहाँ पे पब्लिश कर सकता हूँ। तो पब्लिश करने के बाद वो डायरेक्ट आपके स्टोर पे लेके जाएगा। देखिए अब आपका जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से डिज़ाइन शो कर रहा है। अब कोई भी कस्टमर अगर आता है यहाँ पे, आने के बाद अगर सिलेक्ट करता है ये डिज़ाइन को, तो यहाँ पे जो है ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा, उनको चूज़ करना पड़ेगा। अब मेल फीमेल उनके पास ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपका यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल रहा है $16 पे आप लोगों को सेल होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टी शर्ट का जो प्राइस है वो $16 में सेल होगा, लेकिन आपको मिलेगा $4, ठीक है। $4 का जो इंडियन रेट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंडियन रेट के हिसाब से $4 कितना होता है, $4 का होता है 82 अभी चल रहा है, तो इसके हिसाब से 328 चल रहा है, ठीक है। तो 328 मानो कि आप लोग ये डिज़ाइन आप बना के छोड़ दिए यहाँ पे, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ये डिज़ाइन जो है बार बार बिकेगा, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अकाउंट में देखने को मिलेगा कि कितना आपका अर्निंग हो रहा है, ठीक है। अब 300 से आप मानो कि हर रोज आपका 100 मतलब बेच रहा है, बेच रहे हो आप लोग, ठीक है, हर दिन के बेसिस में आपको कुछ करने नहीं पड़े, क्योंकि ये वेबसाइट ऑलरेडी रीच है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर्स आएगा, तो 32,000 जो है एक ही दिन का होगा। अब मानो कि इस तरीके का जो है बहुत सारे ऐसे सेल्स होता है, तो आप लोग देख सकते हो कितना ह्यूज अमाउंट का जो है आप लोग सेल कर सकते हो। अब मानो ये एक डिज़ाइन है, आप लोग इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे 100 से 200 500 जितना डिज़ाइन आप यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको जो है स्टोर पे जाना होगा, स्टोर पे जाने के लिए अकाउंट में जाना है और माय स्टोर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो माय स्टोर में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टोर है, जो डिज़ाइन है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ दिख रहा है कि $16 फॉर 2 डेज, ये 2 डेज के अंदर अगर कोई खरीदता है तो $16 के लिए मिलेगा, अगर ये होता है तो $22 हो जाएगा तब, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ें दिख रहा है, डिज़ाइन यहाँ पे एक ही है इसलिए एक दिख रहा है। आप स्टोर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आइकॉन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अलग से आप लोगों को कस्टमर लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर्स है जो कि आ रहा है और यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि बाहर का है, बाहर का अच्छा खासा जो है रेट मिलता है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी है आप लोग जो भी पेमेंट्स आएगा वो पेमेंट्स आप लोगों का ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और सारा कुछ जो है आप लोगों को डिटेल वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बैंक अकाउंट कहाँ से क्या करना है। आपका यहाँ पे पेपाल पेनर जो भी है इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर का है, बाहर से आप लोगों को पैसा मंगवाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अलग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में अलग नहीं, यहाँ पे पेपाल या फिर पेनर जो है पायोनियर जो है आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो और इसका ईमेल आईडी दे दोगे तो इसका जो भी पैसा है वो आपको इसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो आर्टिस्ट रिसीव देयर अर्निंग्स ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, तो हर 15 दिन मतलब मंथ के 15 तारीख को जो है पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी है ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग जो है कमा रहे हैं यहाँ से, और आप लोगों को जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग डिजाइन वगैरह बना के रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आप लोग आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा जो है आप लोग मेहनत कर दो और सो के आप लोग बैठ के घूमते रहते रहोगे तब भी आप लोगों का जो है पैसा बनता जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे इसको वेबसाइट को खोल के रखना पड़ेगा, सिर्फ आप एक बार काम करो बाकी जो है बैठ के आप लोग इनकम को जनरेट करते रहो, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग आसानी से एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट बिना किए हुए आप लोग ये काम कर सकते हो, और एक ही इमेज को आप लोग किस तरीके से अलग अलग जगह पे लगा के आप लोग उसको सेल करोगे, तो आप लोगों का जो भी पैसा है किस तरीके से अर्न होगा, क्योंकि ये इंडिया में सेल नहीं होता, बाहर के देशों में सेल होता है, और वो डिजाइन जो है, डिजाइन का ही जो है वहां पे खेल है, और डिजाइन का ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। वो टी शर्ट पर, हुडी पर, कोई भी मग हो या फिर कुछ भी हो, जिस पर वो छपेगा वो कंपनी खुद करेगा, सिर्फ आपको वहां पे डिजाइन जो है अपलोड करते जाना है, ठीक है, और आपको कर देना है। 2-3 घंटा आपने वहां पे टाइम लगा दिया और सब डिजाइन आपने अपलोड कर दिया, बस आपका जो भी है घर बैठे बैठे रहो और पैसा आता जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ जो है डिटेल्ड आप लोगों को बता दिया, आप लोग ट्राई करो, अगर होता है तो अच्छा है। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो भी जॉब का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बताया कि घर बैठे आप लोग कैसे आसानी से ये सब चीजें जो है करके आप लोग अर्न कर सकते हो, तो अच्छा लगा है तो लाइक करे, कॉमेंट भी करे कि आपने जो है ये ट्राई किया है या फिर नहीं किया है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करे ताकि लोगों को भी पता चले कि इस तरीके का जो है काम करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते रहो भाई, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।